मेरा खूबसूरत रोड, हमारा खूबसूरत रीन रोड, स्मार्टू उस्मान जो है, ये स्मार्टू उस्मान जो है आपको अपने गांव का खूबसूरत रोड दिखा रहे हैं। ये हमारे गांव का बहुत खूबसूरत रोड इधर जरूर है। ये जो है हमारे गांव का खूबसूरत रोड, और अभी आपको मैं वो ये जो है नीचे खूबसूरत गांव जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, हमारी अपनी ज़बान में उसको हम मजाथा कहते हैं, और यहाँ मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोहम्मद इसहाक है, उज़ैर है, राशिद है, इसी तरीके से और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इस गांव में रहते हैं। और यहाँ से मैं आपको वो पहाड़ जो है वो गिरा था, और जहाँ जमशेद जो है जिन्हें शहादत हासिल हुई थी, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद वो जगह दिखाऊंगा, वो पहाड़ दिखाऊंगा जिस पहाड़ पर जुनेद जमशेद का जहाज जो है वो क्रैश हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि वो सामने जो है सामने जो पहाड़ है थोड़ा सा हम हटे हैं तो आपको मैं दिखा सकूं। ये हमारे गांव का खूबसूरत रोड, बेहतरीन रोड, उधर जो पहाड़ है उधर जमशेद अंकल का जहाज क्रैश हुआ था, और बहुत खूबसूरत रोड है, ये बहुत खूबसूरत रोड है, इधर जरूर है बिल्कुल। ये हमारे गांव का जो है ज़िगज़ैग रोड, जिसके इतराफ में चीड़ के खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, और वो सामने पहाड़ है, एक मिनट मेरा कैमरामैन अगर जो है उस पहाड़ को थोड़ा सा दिखा सके जी, ना वो सामने पहाड़ है, बिल्कुल वो सामने पहाड़ है जहाँ जुनेद जमशेद का जो है वो जहाज क्रैश हुआ था, जहाँ जुनेद जमशेद ने शहादत हासिल की थी, वो पहाड़ ये हमारे गांव से बहुत ही करीब है, और हमारे गांव के लोग अक्सर जो है इस जगह को देखने के लिए पैदल गए हैं। से लाहौर से, रावलपिंडी से, या किसी भी शहरी इलाके से यहाँ आते हैं तो आप यकीन करें यहाँ से वापस जाना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती इंसान को यहाँ पे रुकने पर मजबूर करती है। मैं ख़ुद आज अपने गांव से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ, यानी कराची जा रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि मेरी आंखों में आंसू हैं कि यकीनन आप इस इलाके को हर हवाले से खूबसूरत पाएंगे। यहाँ के लोगों को मेहनती हैं, मेहमान नवाज हैं, अच्छा वेल एजुकेटेड हैं, बाकिरदार हैं, यानी
हर वो क्वालिटी जो आप एक अच्छे इंसान में देखना चाहते हैं या मौजूद होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों में मौजूद है। किस कोई क्राइम रेशियो यहाँ ज़ीरो है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक भाईचारा है, एक मोहब्बत है, और एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते हैं, जो इस गांव का एक बहुत ही रिच कल्चर है। हमारे इलाके का बहुत रिच कल्चर है, यकीन कीजिए कि जब इस कल्चर में आदमी आता है तो दिल नहीं करता कि वो कभी भी वापस जाए। और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अच्छा, अभी जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ, ये हमारे इलाके का एक दूसरा गांव है जिसको फुलवाली कहा जाता है। फुलवाली के बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। अपने इलाके की हर वीडियो बर वक्त मिल सके, तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ की लाइफ जो है एक आइडियल लाइफ है, एक आइडियल लाइफ है। यहाँ अल्लाह ने कुदरती खूबसूरती से जहाँ इस इलाके को मालामाल किया है, वहीं पे लोग भी बहुत ही अच्छे, कोऑपरेटिव, मेहमान नवाज और आला ज़र्फ़ हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जी।